नमस्कार, स्वामी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन अटारिया। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। डू द विगा डिगा डिंग डोंग सॉन्ग। अदिगे डिंग 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 डिगे डिगे डिंग अदिगे डिंग। पासपोर्ट कार्यालय के उद्घाटन पर हुई जमकर राजनीति। राज्य मंत्री देवनानी के उद्घाटन करने पर सांसद रघु शर्मा ने कहा, संसद में उठाएंगे विशेष अधिकार हनन का मामला। अखिल भारतीय सैन्य भक्तिपीठ जोधपुर के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह में चंपालाल महाराज को सैन्य रत्न उपाधि से नवाजा। वहीं महाराज ने उपाधि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को किया समर्पित। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जीत पर दक्षिण विधानसभा आदर्श मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। राजस्थान पुलिस में 5,390 सामान्य और चालक कांस्टेबल पदों की भर्ती को लेकर एसपी राजेंद्र सिंह ने ली बैठक। परीक्षा के दौरान नहीं बरती जाएगी कोई लापरवाही। और अजमेर मास्टर स्पोर्ट्स सोसाइटी के तत्वाधान में सीनियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विनर्स क्लब और ग्लोबल सोसाइटी ने जीत दर्ज की। समाज सेवी ललित नागरानी रहे मुख्य अतिथि। अजमेर दक्षिण विधानसभा के आदर्श मंडल द्वारा रविवार को नसीराबाद रोड स्थित 9 नंबर पेट्रोल पंप के सामने पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा सरकार की जीत पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। नागालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की खुशी के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी आदर्श मंडल के तत्वाधान में एक जश्न के रूप में आतिशबाजी रखी गई 9 नंबर पेट्रोल पंप पर। और सभी आदर्श मंडल के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शरीक हुए और अन्य मंडलों में भी आज के दिन ये कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत खुशी की बात है कि मोदी लहर आज भी विद्यमान है, बरकरार है और निश्चित हमें उम्मीद है आने वाले समय में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ऐसा संकेत आज की यह मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड की जीत से हमें मिली है।